दोस्तों, हमारे अकाउंट की प्राइवेसी ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई है। इसी वजह से हम लगाते हैं काफ़ी मुश्किल मुश्किल पासवर्ड और बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, लेकिन फिर भी कुछ अरसे के बाद हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है आपके अकाउंट्स के हैक होने की। सो आपके लिए मेन चीज़ यही है कि आप अपने अकाउंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट रखें, इस तरह से आप उनकी प्राइवेसी को काफ़ी हाई रखते हैं। जहाँ पे आप लगाते हैं पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल सारे, लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि आपका जो है पासवर्ड वो हैक हो चुका है या आपका अकाउंट लीक हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है की लॉगर, जिसका हमें पता भी नहीं होता कि हमारे डिवाइस में, चाहे वो PC हो या एंड्रॉयड मोबाइल हो, वो इंस्टॉल हो जाता है। कभी कभी हम कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं, बहुत ही खूबसूरत से कीबोर्ड्स, जो हमें नहीं पता होता कि ये वाकई में की लॉगर है। पहले हम जानते हैं की लॉगर है क्या। की लॉगर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर कोई वीडियो प्ले करने से या कुछ और डाउनलोड करने से आपके सिस्टम में आ जाता है, जो रिकॉर्ड ये करता है कि आपने किस किस सीक्वेंस में कौन कौन से बटन प्रेस किए, और जिससे इजीली आपका पासवर्ड, आपके किसी भी अकाउंट का पासवर्ड आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, की लॉगर ये नोट करता है कि आपने किस किस सीक्वेंस से कौन कौन से वर्ड्स प्रेस किए हैं, और वो फ्रीक्वेंसीज को नोट करके आपका पासवर्ड काफ़ी आसानी से हैकर को पहुंचा देते हैं। दोस्तों, आप अगर किसी बड़ी कंपनी से जुड़े हुए हैं, जहां आप एक डिज़ाइनिंग करते हैं किसी कॉन्सोल की या किसी मोबाइल की या किसी कार की, तो आपके सिस्टम में ज़रूर ही की लॉगर होगा, जो दूसरी कंपनीज के हैकर ने आपके ही सिस्टम में डलवा दिया होगा, जिससे वो आसानी से पता चला सकते हैं कि आप कैसे डिज़ाइन वगैरह प्लान कर रहे हैं या किस टाइप की आप चीज़ें अपने सिस्टम में बना रहे हैं। दोस्तों, ये आपके माउस, आपके कीबोर्ड की फ्रीक्वेंसीज को और उनके अल्फ़ाबेट्स को नोट करेगा कि आपने किस सीक्वेंस में अपने प्रेस किए हैं कीवर्ड्स, और आपका जो प्लान्स हैं वो काफ़ी आसानी से लीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी वेबसाइट में जाते हैं और वहाँ स्क्रिप्ट चल रही है, आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला है बड़ी प्राइवेसी से, और आपने अपना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डाला है, लेकिन आपके अगर सिस्टम में की लॉगर आसान है, तो उसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं कि वो आपका पासवर्ड लीक कर सके। उस हैकर को ऑनलाइन उसी टाइम आपका पासवर्ड चला जाएगा विद इन अ सेकेंड कि आपने क्या एंटर किया है पासवर्ड, और आपका अकाउंट बड़ी आसानी से लीक हो सकता है, जहाँ पे हैकर वो बाद में आपकी प्राइवेसी को लीक कर सकता है और आपके डेटे को चुरा के सेल कर सकता है। दोस्तों, मेनली की लॉगर यूज़ करती हैं कंपनीज जो आपके डेटा को चुराती हैं और उसके बाद उसी डेटा को सेल करती हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को। अब एडवर्टाइजमेंट कंपनीज आपके इंटरेस्ट भी देखती हैं वहाँ से, और आपको एड्स दिखाए जाते हैं। दोस्तों, इनमें उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, वो आपको ही आपके इंटरेस्ट के एड्स दिखाते हैं। कंपनीज जो आपका डाटा चुराती हैं की लॉगर्स वाली, वो यूँ करते हैं कि जो आपके पासवर्ड हैं वो अपने पास रख के आपके जो बाकी डाटा है वो कंपनीज को सेल करती हैं। तो यहाँ नेक्स्ट लेवल चीज़ एक और है, ये तो हमने की सॉफ्टवेयर की बात, लेकिन आपके हार्डवेयर में भी काफ़ी इजीली इंस्टॉल हो किया जा सकता है। दोस्तों, जब भी आप PC खरीदते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपके कि कहीं हार्डवेयर में कहीं डोंगल लगाई दी जाती है, जो USB पोर्ट्स की शेप में होती है, आपको पता भी नहीं चलता, वो पोर्ट्स के अंदर फिट हो जाती है, वो कीबोर्ड की ही फ्रीक्वेंसीज को नोट करती है। जब भी आप ऑनलाइन होते हैं और आपका कीबोर्ड कनेक्ट होता है PC के साथ, PC कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, वो डोंगल अपने सर्वर के साथ कनेक्ट होके आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, आपके जो पासवर्ड्स हैं और आपका डाटा, वो काफ़ी इजीली उस दुकान वाले को जिससे आपने वो चीज़ खरीदी है उसे पहुंचा देती है। आगे दुकान वाला जो दुकानदार होता है, वो उसी कंपनी को सेल करता है आपका डाटा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर लेता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में तो आप मुश्किल होता है आपके लिए पता लगाना कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और क्या कीलॉगर आपके साथ कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो जाता है पोर्ट्स में रिकॉग्नाइज करना कि क्या कीलॉगर यहाँ पे इंस्टॉल है या नहीं। दोस्तों, एक और नेक्स्ट लेवल चीज़ है, वो ये है की ग्रैबर मॉड्यूल। दोस्तों, ये चिप आपके कीबोर्ड के अंदर ही पहले की कंपनी इंस्टॉल कर देती है। जब भी ये चिप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, ये आपका स्टोर डाटा, यानी जो आपने ऑफलाइन होके कीवर्ड्स प्रेस किए हैं या ऑनलाइन होके, वो फौरन ही अपनी उस कंपनी को दे देती है जब बाद में कंपनी उसे सेल करती है। दोस्तों, ये भी रिकॉग्नाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा अच्छी कंपनीज की ही चीज़ बाय करें, ताकि आपके साथ कोई की लॉगर वगैरह सीन ना हो।
दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो की लोगर से बचने के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया और आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ।